ग्वालियर में लाचार और बेबस माता पिता ने अपने बेटे की डेड बॉडी भारत लाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर के ललितपुर कॉलोनी के रहने वाले बाबू सिंह राठौर और उनकी पत्नी प्रभा देवी राठौर का होनहार बेटा प्रणित राठौर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह जर्मनी में म्यूनिक शहर में एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर पदस्थ था, लेकिन 14 अगस्त को उसकी अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। बेटा जर्मनी में अपनी पत्नी और 7 साल की बच्ची के साथ रहता था। बेटे की मौत के बाद बहू और बच्चे भी परेशान हैं। पिता का कहना है कि वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार ग्वालियर में करना चाहते हैं, लेकिन खर्चा बहुत होने के कारण उसे ला नहीं पा रहे। ऐसे माता पिता ने बेटे को वतन लाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, विदेश मंत्री और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। मेरा बेटा था 6 साल से यूरोप में, 3 साल वो क्रोशिया में रहा और 3 साल से जर्मनी में म्यूनिख में। वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता, बहुत बड़ी कंपनी है। इतवार को पर्दो सोपास था, शाम को खाना वाना खाया, रात को थोड़ा कंपनी का काम किया और रात को सो गए, तो सोते में इनको अटैक आ गया जी। तो पता नहीं वेदर, सवेरे 6 बजे उठ के घूमने जाते थे तो बहू जब सवेरे उठी तो उन्होंने देखा ये आज तो उठे नहीं है, तो बहू ने उनको उठाया तो वो उठे ही नहीं। उन्होंने देखा तो उनकी सांस पांस भी नहीं चली थी। फिर बहू ने जो है ना फ़ोन किया डॉक्टर को, डॉक्टर आए, डॉक्टर फिर हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया। हम ये चाहते बेटा, हम दोनों मजबूर चलने फिरने से रिटायरमेंट आदमी है, बेटा मेरा वहाँ फंसा हुआ है, कोई सहायता करने को तैयार नहीं है। सबसे प्रार्थना कर ली हाथ जोड़ के, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चा आ जाए ताकि मैं उसका जो करी करूँ वो करूँ और मेरी बहू बेटी आ जाए यहाँ पर।